18 साल हो गए थे ना उनको मैदे का मसला, और बहुत सवेयर किस्म का है कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकते थे एक्स्ट्रा, लाइक बाहर की कोई चीज़ नहीं खा सकते थे, घर में भी बहुत ही परहेजी खाना, और तकरीबन 3 4 माह बाद उनका भी ऐसे ही था कि इस कदर सवेयर उनकी तबीयत ख़राब होती थी, पेट में दर्द के फिर ड्रिपें इंजेक्शन, फिर काफ़ी दिन ऐसे ही लग जाते थे और रोज़ा नहीं रख पाते थे। तो शायद इस दफ़ा माशाल्लाह 18 साल के बाद उन्होंने सारे रोज़े रखे हैं, 30 के 30 रोज़े रखे क्या हैं बात है अल्हम्दुलिल्लाह, यार। और तबीयत शाह साहब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उनका भी टाइमली सदका देती हूँ, और तावीज़ उनका जो है बिस्मिल्लाह का नक्श जो है वो टाइमली चेंज करती हूँ, कोई भी मसला हो बस चारकुल का पानी, कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल ठीक है वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह, बात है बिल्कुल यार। ठीक है। ये होता है, ये होता है कि जब आप, ये होता है कि जब आप कुरान का इस्तेमाल करते हो ना, भले वो मकसद की पढ़ाइयाँ हो या वैसे हो या नफली हो या कोई भी जी किसी तरह, तो अल्लाह के करीब होने का ये प्रूफ है कि यू आर गेटिंग क्लोज टू हिम, कि वो खुद चाहता है कि तू रोज़े रख जी मेरे लिए। ये चीज़ है ना, हम अल्लाह के लिए रखते हैं ना रोज़े, तो बेशक ये चीज़ है। ये रमज़ वाली बातें हैं, बेशक समझ में नहीं आएंगी। चलें ठीक है।